तो हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर केति सैनी। तो गाइस, जैसे कि मेरी अभी बेबी गर्ल है जो आपके सामने है, ये भी यानी कि एक साल की भी नहीं हुई है और ये इतनी नॉटी है, इतना परेशान करती है, इतना उदम करती है कि क्या बताऊँ। अब तो ऐसे शांति से खड़ी है, देखो कैसे बेचारी को जानती नहीं है और अब उदम करेगी, उदम करने में तो पूरी माहिर है ये। तो गाइस, आज का वीडियो जो मैं शूट कर रही हूँ अपने रूम के अंदर ही, क्योंकि मेरी बाबू अभी मैंने सामने उसको मेरी भतीजी के साथ में खेलने के लिए छोड़ दिया है, यहीं मेरे सामने खेल रही है वो, क्योंकि यहाँ पे तो बार बार मैं डिस्टर्ब कर रही थी, उदम कर रही थी, तो इस वजह से मेरा वीडियो बन जाती है, उसके बाद मैं इसको ले लूँगी। तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि मेरी बेबी गर्ल है और उसके टाइम में मुझे कैसे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि पेट के आकार से बता देते हैं बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। आ गई कुछ लोग बोलते हैं कि वॉमिटिंग ज़्यादा होती है तो इस वजह से बेबी गर्ल है बेबी बॉय, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मैं सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपके साथ में कि मुझे क्या फील हुआ था, कैसे हुआ था। मुझे बेबी गर्ल जो है कंसीव हुई थी, तो मेरे को देखिए ना तो कभी वॉमिटिंग हुई थी, ना ही कभी एसिड, मतलब थोड़ी बहुत एसिडिटी वगैरह की कभी कभी हो जाती थी, और वॉमिटिंग का मतलब मन करता था, जैसे बोलते ना जी में चलना, तो वो वाली चीज़ होती थी मेरे साथ में, लेकिन वॉमिटिंग मुझे कभी नहीं हुई। तो लोग बोलते थे ना कि वॉमिटिंग नहीं होती है तो बेबी बॉय होता है, तो मतलब मैं सबको यही लगता था कि इसको वॉमिटिंग नहीं होती है, और मेरा जो हीमोग्लोबिन था एंड मतलब सब कुछ जो होता है, पानी की जो मात्रा होती है, ब्लड वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, यानी कि पोजीशन लास्ट तक डॉक्टर ने भी बोली थी कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी फैमिली में सबको लगता था कि ना बेबी बॉय ही कंसीव हुआ है इसका, बेबी बॉय ही होगा, लेकिन लास्ट टाइम में जब हुई डिलीवरी तो उसके बाद में पता चला कि बेबी गर्ल कंसीव हुई है। तो मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, कुछ भी हो, तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम ही थी ये, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मतलब सिम्टम्स है, मतलब मुझे ना तो इसने कभी जो भी मैं प्रेगनेंसी के टाइम में जो भी मेरे पेट में थी, इसने कभी मुझे परेशान नहीं किया, कभी मुझे इतना जल्दी मतलब हॉस्पिटल के चक्कर काटने नहीं पड़े, क्योंकि लोग बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं, महीने में दो चक्कर हो जाते हैं, 20 दिन में चक्कर लगा देते हैं, लेकिन मेरे साथ में कुछ भी नहीं था। मैं बहुत खुश थी इस चीज़ से कि मेरा जो मेरे को देख के खुश हो रही है, इसको लग रहा है कि मैं इससे बातें कर रही हूँ, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत खुशी थी कि मेरा जो बेबी है वो मेरे को बिल्कुल ही परेशान नहीं करता है अंदर पेट के अंदर, और बाहर आने के बाद ही मुझे बिल्कुल भी मतलब बहुत कम परेशान करती है। मेरे पास में जब इसको या तो ब्रेस्ट फीड करना होता है, भूख लगती तब आती है, या फिर इसको और ज़्यादातर जो है मतलब ऐसे ही खेलती रहती है अपने, और घर वाले हैं उनके पास में खेलती रहती है, तो उनके साथ में खूब खेलती है, लेकिन मेरे पास में आते मेरे को देखते फिर से स्टार्ट हो जाती है, जैसे इसको भूख लगी हो, भले भूख हो नहीं लेकिन मेरे को देखते बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाती है, और पीछे से आराम से खेलती रहती है। तो बस यही था कि मेरे को बिल्कुल परेशानी की ना, मुझे वॉमिटिंग हुई ना, मुझे कभी ऐसे मतलब हाथ पैरों में दर्द वगैरह होता है बहुतों के, तो वो मुझे ज़्यादा नहीं हुई दिक्कत, हाँ हल्की थोड़ी बहुत सी हो जाती है, यानी कि 7वें 8वें महीने तक तो मुझे कुछ, 7 महीने तक तो मुझे कुछ ही पता नहीं चला था, लेकिन लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं 8th एंड 9th मंथ, तो उस टाइम क्या है कि वेट अपना वेट ही बढ़ता है और बेबी बम्प भी बढ़ता है। तो मैं बेबी बम्प का स्क्रीन शॉट लेके आपको मैं साइड में लगा दूँगी, दिखा दूँगी, या फिर थंबनेल पे लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा किस किस टाइप का था। तो उसमें जो भी नाभि जो लाइन होती है उससे भी पता चल जाता है बहुत लोगों को कि गर्ल बॉय क्या है जो भी है, लेकिन मैं भी बहुत देखती थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सारी चीज़ें, लेकिन जब बेबी हुई मुझे तो मेरे को भी इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, ऐसा होता भी है। तो भगवान की कृपा से मुझे बेबी गर्ल हुई, लक्ष्मी आई मेरे घर, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो यही थी मेरी स्टोरी, और बाकी का जानने के लिए कि मेरी जो डिलीवरी जो पूरा 9 मंथ का पीरियड था, और बेबी गर्ल जो मुझे कब कंसीव हुई, शादी की कितने टाइम बाद हुई, तो ये सब कुछ जानना चाहते हैं मेरी स्टोरी, तो उसके लिए कमेंट करिए आप, चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा हो लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरी बाबू इंतजार कर तो मेरे को नहीं आओ खेल रही है वो, तो तब तक के लिए बस इतना ही, और बाय बाय।